शांति। आज की तारीख है 5/11/2023, 5 नवंबर 2023। आज मीठे बाबा की मुरली है, अव्यक्त मुरली है, जो कि रिवाइज है 10/3/1994 में बाबा ने सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है करण हार और करावन हार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करण हार और करावन हार, हम आत्मा करण हार और कराने वाला कौन? परमात्मा शिव बाबा। इसकी स्मृति से कर्मातीत स्थिति माना निरंतर जब हम शिव बाबा को याद करते रहते हैं, जब हम उनकी याद भूलते ही नहीं, तो उस स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहते हैं, तो उसका अनुभव। आज इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज कल्याणकारी पिता शिव बाबा अपने साथी, हम सब बाबा के बच्चे इस विश्व को पावन बनाने के साथी हैं, तो कल्याणकारी अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। बाबा के सारे बच्चे इस विश्व के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देखकर बाबा सदा वाह साथी बच्चे वाह के गीत गाते हैं। श्री बाबा हम बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और गीत गाते हैं वाह साथी बच्चे वाह। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते हो ना? बाबा बच्चों से पूछते हैं, आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते हो? आज बाबा अपने चारों ओर के सेवा की गति देख रहे हैं। बच्चों की सेवा की क्या गति है, साथ में स्वयं के पुरुषार्थ की भी गति को देख रहे हैं। आपके स्व के पुरुषार्थ की, अपने प्रति आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, अपने को कितना बदल रहे हो, आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए कितना तैयार कर रहे हो, क्योंकि संस्कार बीज सब हम यहीं से डालेंगे, तब हम जाके उस सतयुगी दुनिया के, उस पावन दुनिया के लायक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं आपके स्वयं के पुरुषार्थ की गति को देख रहे हैं और सेवा की गति को देख रहे हैं। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ की दोनों की गति में बाबा ने क्या देखा? सेवा की गति तीव्र है व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है, क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है। अभी बाबा कहते हैं अभी दोनों का बैलेंस नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को प्रकृति की बैलेंस ब्लेसिंग्स कब मिलेंगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग्स मिली हैं वे औरों को मिलेंगी। तो अंतर ये, वो बाबा कहते हैं अब क्या है, अगर आपका बैलेंस नहीं रहेगा, आप स्वयं के पुरुषार्थ को ध्यान नहीं देंगे और साथ ही साथ सेवा पर ध्यान नहीं देंगे, तो बाबा कहते हैं फिर ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी, प्रकृति के और आत्माओं को ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी, दुआएँ कैसे मिलेंगी? तो आप सब क्या हो, कर्म योगी हो या सिर्फ योगी हो? कर्म योगी हो ना, पक्का है। तो सेवा भी कर्म है। कर्म में आते हो, बोलते हो, दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो। जब कर्म में आते हो तो बाबा के कोर्स के बारे में समझाते हो, बाबा का ज्ञान समझाते हो, बाबा कहते हैं। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है, फिर क्या होता है? कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस, यानी कर्म करते करते जैसे जब किसी को ज्ञान सुना रहे हो, क्या उस समय भी हम बाबा की याद में हैं? क्या उस समय भी हम योगी बनकर सुना रहे हैं? तो बाबा कहते हैं वो बैलेंस भूल जाते हो, वो बैलेंस कम हो जाता है। कारण क्या है? अच्छी तरह से जानते हो, नई बात नहीं है। बाबा ने देखा सेवा व कर्म और स्व प्रसाद अर्थात योग युक्त दोनों में बैलेंस रखने के लिए एक शब्द याद रखना है हम सब बच्चों को, कौन सा? शिव बाबा करावन हार है और मैं आत्मा करण हार हूँ। शिव बाबा मुझसे करा रहा है, जो भी हम बाबा के बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जिस भी सेवा के हम निमित्त बने हैं, वो बाबा हमसे करा रहा है और मैं आत्मा करण हार हूँ। मैं कर रही हूँ, कराने वाला वो है। ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्वयं के पुरुषार्थ का बैलेंस गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या है? अब बाबा कहते हैं स्वयं के पुरुषार्थ के बैलेंस में गति कम होती है, उसका कारण क्या है? करण हार के बजाय मैं ही करने वाली हूँ ये समझ लेते हो, करण हार के बजाय अपने को करावन हार समझ लेते हो कि मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर लेते हो,
तो जो जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते हो? मैं तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया। ऐसा बंद करते हो माया सहज ही खोल देती है और आ जाती है। तो बाबा कहते हैं करण हार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। अगर मैं आत्मा करण हार हूँ तो मैं जो भी कार्य कर रही हूँ सर्वप्रथम मैं उसे कर्म योगी बनकर कर रही हूँ, माना कर्म के साथ साथ योग युक्त बाबा की याद में कर्म कर रही हूँ। और साथ में कराने वाला कौन? परमात्मा शिव बाबा। मैंने नहीं किया कोई भी सेवा, मेरे द्वारा नहीं हुई, वो कौन कौन करा रहा है मुझसे? परमात्मा शिव बाबा करा रहा है। इससे क्या होगा? कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। तो करावन हार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं कराएं लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझकर कर्म कराना, ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं हो। मर्ज रूप में भी करावन हार के बजाय कर्मेंद्रियों अर्थात मन के बुद्धि के संस्कार के वश हो जाते हो। कारण करावन हार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ये स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता है और कभी आप मन को चलाते हो। इसीलिए सदा नेचुरल मन मनावप की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूँ, बिल्कुल सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बालक हूँ, मैं आत्मा कराने वाली हूँ, मालिक हूँ। अब बाबा कहते इसमें अटेंशन कम हो जाता है। सेवा बहुत अच्छी कर रहे हो लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवादारी बनने का भी और कर्मातीत बनने का भी। लक्ष्य क्या है? सेवा के साथ साथ निरंतर बाबा की याद बनी रहे। बाबा की याद हमें निरंतर आती रहे, भले ही हम कोई कर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, बस आँख बंद की, एक सेकंड के लिए भी आँख बंद की, या निरंतर शिव बाबा की याद बनी रहे। तो बाबा कहें अब ये अभ्यास करना है हमें, कर्म योगी बनकर निरंतर बाबा की याद में कर्म योगी बनकर कार्य करना है। बाबा कहते हैं अब ये अभ्यास करना है। फिर बाबा कहते हैं पांडव एक सेकंड में अलग हो सकते हो, आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। अपनी आत्मा, मैं आत्मा मालिक हूँ और अपने मन बुद्धि संस्कार को चलाने वाली हूँ, माना ये मेरी कर्मचारियां हैं। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। आपकी आत्मा आपके आप मन के गुलाम नहीं बल्कि आत्मा आपके कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दे। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास अभी आप बच्चों को पक्का करना है, अभी एक सेकंड में अभ्यास दोहराओ। सहज है सारे दिन में कर्म के साथ स्मृति इमर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। कर्मातीत स्थिति अब आने वाले समय में हम बाबा के हर एक बच्चे को बनानी है। कर्म करते करते कर्म योगी बनाना है। कई बारी हम सब कर्म करते हैं और कर्म हम छोड़ते नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, तो कर्म योगी बनना ही है क्योंकि कर्म योगी बनने बगैर कार्य नहीं होगा। अब आने वाली जैसे ऐसे सिचुएशन आ रही है उसमें अगर हम कर्म योगी नहीं बनेंगे, कर्मातीत स्थिति नहीं लाएंगे, निरंतर बाबा को याद नहीं करेंगे तो आने वाली परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे। ये सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि अब परिस्थितियां आने वाली दिन पर दिन कठिन होती जा रही हैं। दिन पर दिन बाबा की जो भविष्यवाणी थी तीसरे विश्व युद्ध की वो भी सामने आ रही है। तो बाबा अपने हर एक बच्चे को इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि बच्चे कर्म योगी बनकर कर्मातीत बनो बाबा को याद। तो अब हमको बाबा कहते हैं स्वयं के पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस बनाना है। भले ही हम गृहस्थ में हैं तो अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारे परिवार की सेवा है। तो बाबा कहते हैं उसमें और स्वयं के पुरुषार्थ में बैलेंस बनाना है। अपना भी ध्यान रखना है कि मेरी स्थिति कहाँ तक कर्मयोगी बनी, मैंने 7 गुणों को कहाँ तक अपने अंदर धारण किया, मैंने 8 शक्तियों को कहाँ तक अपने अंदर धारण किया। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास पक्का रखना है।
बाबा कहते हैं आपने कितनी प्रजा बनाई है, अपनी 9 लाख की प्रजा बनाई है आने वाली सत्यवीर दुनिया के लिए। तो बाबा कहते हैं अब समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते हो, बैलेंस रखो, डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रखकर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बन जाएगी। अब प्रकृति भी बहुत थक गई है, प्रकृति के 5 तत्व भी बाबा कहते हैं थक गए, माना बहुत दूषित कर दिए हैं आत्माओं ने, आत्माएं भी बहुत निराश हो गई हैं, चारों तरफ दुख से परेशान हैं। जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं, भगवान को। लेकिन उसका पूरा परिचय ना होने के कारण सभी देवी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती। अब बाबा अपने बच्चों से कहते हैं जो आत्माएं पुकार रही हैं, परेशान हैं, दया की भीख मांग रही हैं, क्या आपको उनकी पुकार सुनाई नहीं देती? आप बच्चे देने वाले हो, दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो। जितने भी विश्व में आज रशिया में, यूक्रेन में, इसराइल में, हमास में जो युद्ध हो रहा है, बेगुनाह कितने मारे जा रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे आप रहम दिल बनो, रहम दिल बनकर उन्हें सकाश दो, सेवा दो, सेवा करो। तो किसी के प्रति भी घृणा, ईर्ष्या या क्रोध की भावना ना रखो। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्श कर देती है, मतलब का रहम नहीं, सच्चा सच्चा रहम। हमें हर आत्मा के प्रति इक्वल बैलेंस रखना है और सबके प्रति बाबा कहते हैं आपको सच्चा रहम रखना है। बाबा कहें किसी का लगाव बॉडी से होता है, कोई का लगाव किसी के गुणों से, विशेषता से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुणों देने वाला कौन? अब बाबा यहाँ से हमको डिटैच कर रहे हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं किसी, कभी बच्चे क्या होता है किसी के देह के आकर्षण में फंस जाते हैं, या फिर उसकी गुण विशेषताएं बहुत अच्छी लगती है, उस आकर्षण में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब ये बताओ कि वो गुण देने वाला कौन, गुण किससे मिला उसको? आत्मा तो फिर भी कितनी बड़ी हो लेकिन बाबा से लेने वाली है, अपना नहीं है, बाबा ने दिया। जो गुण हमें, हम सब बाबा के बच्चों को मिले, इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, इतना खुश रहते हैं, एक नशे में रहते हैं कि हमको कौन मिला, हमें भगवान मिला। उनकी खुशी ही संसार से अलग है, संसार वाले सांसारिक चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं और हम बाबा के बच्चे इसी नशे में खुश रहते हैं कि हमें परमात्मा मिला। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहें कि आप, आपको क्या है देने वाला कौन, इन सब गुणों को देने वाला कौन? परमात्मा। तो डायरेक्ट दाता से लो, इसीलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ होगा, कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करना है हमारा रहम हर आत्मा के प्रति निस्वार्थ हो, लगाव मुक्त रहम हो। कोई थोड़े समय की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है, ऐसा तो नहीं हम ये सोचें कि हमें कुछ प्राप्ति मिले इस कारण रहम है, नहीं। बाबा कहते हैं आपका लगाव मुक्त रहम हो। अब बाबा कहें सेवा को बढ़ाते हो तो बढ़ाना है, स्थापना को भी नज़दीक लाना है। अब सेवा का कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बाबा के बच्चे बहुत तेज़ी से मनसा से, अब बाबा कहते हैं अब आपकी मनसा सेवा बढ़ेगी, मन से सकाश। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना उतना ही बाबा कहते हैं सकाश, मनसा सकाश की सेवा अब बढ़ेगी, मन से मैं शांत स्वरूप आत्मा, उतना ही हम इस संसार को शांति का सकाश देंगे, जितना ही बाबा की याद में स्थित रहेंगे तो बाबा कहते हैं उतना इस विश्व को शांति का सकाश देंगे। अब बाबा कहते हैं फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा, कर्मातीत स्टेज, कर्म कराने वाला लेकिन न्यारा देखना है, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारेपन मालिक और बाबा द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो डिटैच्ड होके बाबा कहते हैं कि मालिक और बाबा द्वारा निमित्त आत्मा हूँ, मुझे जो भी मिला है, जो भी ज्ञान मैं सुना रही हूँ, जो भी मुझे गुण मिले हैं, वो सब किसके द्वारा दिए हैं? परमात्मा शिव बाबा के द्वारा दिए हैं। इस स्मृति में फिर मन और बुद्धि को स्थिर करो। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाली सेवाधारी आत्माएं, सदा स्वपुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली
ब्लेसफुल आत्माएं सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं के प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से आज्ञाकारी बन बाबा की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। शिव बाबा की आज्ञा है मुझ एक को याद करो, एक बाबा ही संसार है, इसीलिए दिल में सिवाय शिव बाबा के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाबा की दुआएं मिलती हैं, इसीलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं ऐसे बच्चों को बाबा की दुआएं मिलती हैं, तो बाबा कहते हैं इसीलिए उनके लिए हर मुश्किल सहज हो जाती है। स्लोगन है आज की मुरली से, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। जब से बाबा के बने तो हमारा नया जन्म हुआ, तो हमारे संस्कार भी नए हो गए। तो बाबा कहते हैं नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो, कि मेरा भी अभी जन्म हुआ है और जन्म देने वाला कौन मुझे, स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा। तो इस स्मृति में रहो तो पुराने संस्कार क्रोध के, काम के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, ईर्ष्या के, किसी की निंदा करने के, किसी की बुराई करने के, किसी की कमियां देखने के, ये सारे संस्कार आपके समाप्त हो जाएंगे। तो नए संस्कार कौन से आ जाएंगे, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, इन सातों गुणों के संस्कार मुझ आत्मा में आते जाएंगे और पुराने संस्कार हटते जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा, विश्व कल्याणकारी परमात्मा, निराकार शिव बाबा की संतान, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर, निराकार स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। शांति, इस से निकल मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूँ धीरे धीरे ऊपर की ओर। बाबा के समक्ष में फरिश्ता, स्वयं भगवान के समक्ष में फरिश्ता, बाबा मेरे मस्तक पर आत्माभिमानी का तिलक लगा रहे हैं। हजारों वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। बाबा के हाथों में हाथ देता मैं फरिश्ता, संभालो मेरे जीवन की डोर को मेरे बाबा, संभालो मेरे जीवन की डोर को, मेरे मन बुद्धि संस्कारों की डोर को संभालो मेरे मीठे बाबा, आपको ही देखना है मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ।